फ्रेंड्स खमागणी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे हैं ना अभी तक तो, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारे ट्रिप का हो गया आज थर्ड डे, तो मतलब फर्स्ट ही है बट व्लॉग शायद ये थर्ड हो जाएगा। और अभी हम लोग जा रहे हैं, दिन में इतना कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया यार, क्योंकि जयपुर, जयपुर से हम आए आगरा, आगरा से अब हम लखनऊ जा रहे हैं। तो ये तीसरा व्लॉग हो रहा है, तो एक ही दिन में काफी कुछ करने को मिल रहा है। और पूरा दिन वैसे गाड़ी में ही निकला है, हम लोग सुबह 6 बजे निकले थे। तो गाड़ी में हमारा आज का पूरा दिन गाड़ी में गया। तो बस फ्रेंड्स अभी मिडवे पे रुके हैं, और इस मिडवे पे भी ना हमारे साथ बहुत तगड़ी वाली चोट हुई है। इसे कुछ टाइम पहले, मतलब एक जो मिडवे था सेम ऐसा कैसा था, और यहाँ भी सेम था, तो हमें लगा हम घूम के इतने घंटे में, मतलब 1-1.5 घंटे में वापस वहीं पहुंच गए। हमारे हस्बैंड्स ने हमारे साथ प्रैंक भी किया, उसका मैं वीडियो भी इसके साथ अटैच करूंगी, मैंने पहले बना लिया। मतलब उस टाइम पे हमने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, पर यार उन्होंने सही में पागल बना दिया, हम दोनों तो एकदम ही हो गए। हमें लगा हम 2 घंटे 2 घंटे पीछे पहुंच गए, फिर से वापस आ गए, पर ऐसा नहीं था। अभी भी काफी आगे पहुंचने में 1.5 घंटा बचा है, तो बस 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। काफी कवर कर लिया, थोड़ा ही बचा है। और आज पतिदेव खाएंगे वहाँ पे लखनवी, क्या जो भी फेमस होता है ना, क्या लखनवी बिरयानी, बिरयानी कबाब, पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, तो उनको वो खाना है सब कुछ। और जो भी होता है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जो प्रैंक वाला वीडियो वो भी मैं इसके साथ में अटैच कर रही हूँ। पता है गाइस हमारे साथ बहुत बहुत बुरी वाली चोट हुई है कि हम लोग वापस यहीं पहुंच गए, हमें तो ये लग रहा है। नहीं पहुंचे बेटा, नहीं पहुंचे एक्सप्रेस वे पे, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, मल्टीपल है इस रोड पे, वो अलग है, सेम इसमें एकदम डिट्टो। कितने किलोमीटर हो गए चलते हुए? अपन डेढ़, पहले जो आया था वो 112 किलोमीटर पहले था, अब 112 किलोमीटर बाद नेक्स्ट स्टॉपेज ये है, एकदम डिट्टो। गवर्नमेंट रन करती है ये, बिल्कुल सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है। और जिसको पहला टेंडर मिला हुआ है ना, उसी को यहाँ का टेंडर भी मिला हुआ है। अच्छा। अभी आपको एक और दिखाएंगे आगे। तो पेट्रोल पंप भी देखो वैसे ही हुआ सब कुछ, पार्किंग सब कुछ ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेटेड है, सब बिल्कुल सेम है, डिट्टो। गजब यार, मतलब मेरे तो हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गई थी, लगा घूम फिर के वापस वहीं आ गए। ड्राइवर चेंज्ड, दीपेंद्र सिंह राठौड़ इज नाउ ड्राइविंग द कार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे इस समय हम क्या रफ्तार से चल रहे हैं? लखनऊ 187, अयोध्या 315। नहीं, अयोध्या कल चलेंगे। यस, बट 187 है हमारा लखनऊ। ओके, एक्सपेक्टेड टाइम 7। हमारे ब्लॉगर साहब इरिटेट होते हुए ये उजाड़ है, पर यार ये जो मतलब एक्सप्रेसवे है शानदार है, नहीं बना बहुत बहुत शानदार, मतलब बहुत सही है, स्पीड का बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा कितनी चल रही है। गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, गडकरी जी शानदार है, आगे भी हमें ऐसी मिले सड़कें। नहीं, नेपाल में ऐसी नहीं मिलेगी, नेपाल में गडकरी जी नहीं है, नेपाल में गडकरी। वैसे मैंने अभी तक रिवील किया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बट अभी मैं बता देती हूँ कि हम लोग आगे मतलब सब गैस कर, तो अब मैं बता देती हूँ कि हम लोगों ने गैस किया था कि हम अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, अयोध्या तो जा ही रहे हैं, उसके बाद में हम नेपाल भी जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम? नेपाल। इंटरनेशनल ट्रिप हो रही है हमारी इस बार। नेपाल में कहाँ जाएंगे वो आगे पता चलेगा, वो आगे पता चलेगा, वो भी आगे पता चलेगा। और कैसा क्या रहता है हमारा ट्रिप, वो भी आपके साथ पूरा शेयर करेंगे हम लोग। पापा कब पहुंचेंगे? हम पहुंच गए लखनऊ, तो हम लखनऊ पहुंच गए, पर ये टाइमिंग इतना क्यों आ रहा है अभी भी? 17 किलोमीटर ये पर 37 मिनट है। बहुत अच्छे अच्छे वो लखनऊ, क्या होगा ये, मतलब क्या है ये शांति, अपने चंबल रिवर फ्रंट बना है वैसे ही। अच्छा, इतना बड़ा है ये, अच्छा लग रहा है। अब होटल ढूंढ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स खमागणी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो कल लखनऊ पहुँचने के बाद हम लोगों ने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और बस होटल में आके रेस्ट किया और खाना वाना खाया, खाना खा के फिर रेस्ट किया। तो अब मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अभी अयोध्या। तो उसके लिए हमने पहना है लहंगा ओढ़नी, निक्सा दिखाते हो, उसने भी लहंगा ओढ़नी पहने। और तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो चुके हैं। हम हैं अभी लखनऊ में, यहाँ पे हैं, और यहाँ से हमें लगभग 2-2.5 घंटे लगेंगे अयोध्या के, 2-2.5 घंटे हमें लगेंगे अयोध्या के। तो
तो देखते हैं, अब बस निकलने में ही है। वैसे हमारा सब कुछ हो चुका है, सामान जाने वाला है बस नीचे। तो दिखाता है निक्सा को, ये देखो सब, ये भी रेडी हो चुकी है। वैसे हम सब रेडी हो चुके हैं पांचों, अब हमें बस निकलना है। और हमारा बच्चा यहाँ देख रहा है बुद्ध बद्री मस्त होके। ये होता है, ये इमरजेंसी के लिए होता है। अच्छा ऐसा क्या, इमरजेंसी के लिए होता है ये दोनों होता है। हमें तो पता ही नहीं था यार। हमारी फर्स्ट होटल से चेकआउट कर चुके हैं और अभी हम वापस ऊपर जा चुके होते हैं। तो चलो गाड़ी लगवाते हैं। इनको यहाँ भी फोन ही चलाना है। निक्सा मुस्कुराइए आप लखनऊ में। मुस्कुराहट जा ही नहीं रही है दो दिन से। ओह माय गॉड, इतनी खुशी। वही तो, जा ही नहीं रही, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अंदर से आ रही है। वाह 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 वाह, सही है। तू लखनऊ का पूरा वो ले रही है। अरे हमने लखनऊ हमने कुछ घूमा नहीं वैसे, बस नाइट स्टे किया था यहाँ पे, तो और कुछ वैसे किया नहीं हमने ओवरऑल ट्रिप का। अभी तक तो बढ़िया है, आगे देखते हैं। पहले की मेमोरीज आ रही है। सही है, हमारी गाड़ी आई है। तो गाइस, राम भगवान की जय। Take the next left onto Hanuman Chauraha Road, then we नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करते हैं और फिर वापस निकलेंगे। वैसे एक घंटा है अभी, है ना? हाँ, एक घंटा है। और हम लोगों ने पहन रखे हैं घाघरा लुंगी। हमें यूपी में सब लोग देख रहे हैं कि ये क्या क्या पहन रखा है। नहीं वैसे तो यार लोग तो आते ही होंगे इधर भी, आते ही है। सही है। और हम मंदिर में पहने थे वैसे लहंगा ओढ़नी, ये तो हमारा रहता ही है, मेरा तो फिक्स है। मंदिर में मैं लहंगा ओढ़नी ही पहनना चाहती हूँ। सब ऑर्डर करते हैं कुछ, पेट पूजा कर लेते हैं। कहाँ गए अपने? हम लोग पहुंच गए अयोध्या के मंदिर, पहुंचे हैं। अब मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में फोन अलाउड नहीं है, तो वहां पे तो हम कुछ रिकॉर्ड करेंगे नहीं। फोटो, ये अपना वनवास पढ़ा था ही के बेटे। मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ इन सब की फोटो। जंगल यहाँ भी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके, और हमें जाना है मंदिर। तो देखते हैं कितना चलना पड़ता है आज भी। कल तो बहुत चलना पड़ा था। मास्टर साइड में ले ले, साइड में ले ले।
और ई रिक्शा भी है। तो हम जा रहे हैं पैदल पैदल और भगवान की दया से अभी थोड़ी छाया तो हो चुकी है वैसे। और अगर आप लोग यहाँ आएंगे ना तो आपको ई बसें मिलेगी, पार्किंग जहाँ भी होगी वहाँ पे एसी वाली, वो आपको ड्रॉप कर देंगी बिल्कुल मंदिर के सामने। तो फ्रेंड्स राम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं और इतनी भीड़ है जिसकी कोई हद नहीं है। हमारे चेहरे देख लो, हम लोग शायद 3 घंटे आराम से खड़े रहे उस भीड़ में। सीरियसली बहुत 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 भीड़ थी, बट ये अंदर दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मंदिर भी बहुत शानदार। हमारी स्लीपर्स आ गई, हमारी स्लीपर आ गई दर्शन करने के बाद। और पहले बच्चे की अपनी चप्पलें पहन ले लेडीज। यस 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 पहनती हूँ। पहला बच्चा मैं हूँ, राम मंदिर जाके आया हूँ। हमारे घर में, हमारे घर में ऐसे बोल, हमारे घर में मैं हूँ पहला बच्चा जो जाके आया हूँ। काफी है भाई हमारा पहला बच्चा राम मंदिर में दर्शन करने वाला। बट सीरियसली बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा। और अभी भी ये देखो दर्शन करने के बाद इतनी भीड़ दिख रही है। फ्रेंड्स राम मंदिर दर्शन कर लिए थे और इतनी भीड़ थी कि हमारी हालत देखो, शक्लें मतलब बता रही है हमारी। सीरियसली बहुत भीड़ थी, सच में बहुत भीड़ थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। हाँ लगा नहीं था इतना, लगा नहीं था। पर वो है कि बस मंदिर की जो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना वहाँ से फिर मजा आ गया सही में। बाकी पहले तो 2-3 घंटे लगे हुए, बहुत बुरी हालत हो गई थी, 3 घंटे लग गए थे, बहुत बुरी हालत। पर सामने जब मंदिर दिखा, पर अब आपको पतिदेव बताएंगे कि अगर अयोध्या जा रहे हो तो क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बताएं क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप जो बता रहे थे कि मैं बताऊंगा आज क्या करना चाहिए, बोलो अर्चना। नहीं करना चाहिए तो जो मेन इशू था ना उधर, हर 2 मिनट में पिंटू तुम कहाँ हो, बबीता तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, मैं मम्मी बोल रही हूँ इधर आ जाओ। तो वो जो हाँ जो लोग खो रहे हैं ना वो इतने भयंकर, हर सेकंड में खो रहा है, हर सेकंड में सच में। मतलब वो मेरी नाम राशि कौन था, बंटी भैया, वो तो लास्ट तक ही नहीं मिला सच में, वो नहीं मिला, वो मिल ही नहीं रहा है। 2-2.5 घंटे तक वहाँ थे बंटी भैया, उसकी मम्मी, उसके भाई ने, वो छोटी बहन बंटी भैया, हम सब मिल गए आपको। मतलब बंटी भैया ढूंढने गया था वो खो गया, देख रहे हो नहीं। मैं तो खोने वाला नहीं था, मेरे को लगा था, अगला अनाउंसमेंट इसी बंटी का होगा। गावी ने तो तैयारी, अगर ऐसा कुछ होता ना और अगर ऐसा कुछ किसी के साथ भी हो तो एक ही चीज ध्यान रखनी चाहिए, जहाँ पे आपने व्हीकल पार्क किया है या फिर मंदिर के बाहर कोई ऐसा एक स्पॉट रखो जो सबको मालूम हो। आपके ग्रुप में चाहे 10 है, चाहे 15 है, चाहे 20 है, कोई भी खोता है ना, तो एक पर्टिकुलर स्पॉट फिक्स रखो कि भैया अगर कोई भी खोएगा तो यहाँ आके मिलेगा। अब चाहे 1 घंटे वहाँ बैठो, 2 घंटे बैठो, 3 घंटे बैठो, उसको जब तक सब नहीं मिल जाते वहाँ से हिलना नहीं है। फोन भी पहले से अपनी गाड़ी में छोड़ दो, क्योंकि वहाँ तक अयोध्या में फोन अलाउड नहीं है, लगोगे फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये सोचना कि मैं फोन छुपा के ले जाऊंगा नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल है। अरे क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है, कोई कुछ भी करके ले जा सकता है। बट लीगली नहीं है, अगर पकड़ में आ गए फोन, अगर आपका पकड़ में आ जाता है तो ये मान लेना कि 99% आप अपने घर वालों से खो गए या फिर अब दर्शन नहीं कर पाओगे। अगर फोन पकड़ में आ गया तो अंदर अलाउड नहीं है, फिर आपको घर वालों को छोड़ के उसको जमा कराने जाना पड़ेगा। जमा कराना मंदिर से बहुत दूर है और जमा कराने की लाइन में कम से कम 1 घंटा लगता है, जो कि मेरे आगे तो सिर्फ 6 जने खड़े थे, बताओ तो भी 1 घंटे में नंबर आया मेरा। तो इसलिए गाड़ी में छोड़ दो फोन, सबसे बड़ी फोन गाड़ी में छोड़ दो, गाड़ी में नहीं भी छोड़ो तो पहले लॉकर में जमा करा दो, उसके बाद जाओ। अगर किसी को घूमना नहीं है तो सबको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन फिक्स रखनी है मंदिर के बाहर के, अगर कोई भी इधर उधर हो जाता है तो डेस्टिनेशन पे मिलेंगे। कोई नहीं, मैनेजमेंट अभी थोड़ा और करने की जरूरत है। मैनेजमेंट तो हो गया यार, अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा, धीरे धीरे चल रहा है पूरा, धीरे धीरे होगा।
जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाएगा वैसे वैसे मैनेजमेंट होता जाएगा। पहले ज्यादा थी भीड़ तो देखो अभी भी बहुत है। सही में मतलब कह रहे हैं कि अब कम भीड़ है, अगर ये कम थी तो फिर ज्यादा क्या थी, ये कम है तो पता नहीं ज्यादा तो क्या। पहले तो इसका मतलब कोई देख ही नहीं पाता होगा, रोड से ही लाइन लग जाती होगी। और भीड़ थी बहुत तगड़ी भीड़। तो फ्रेंड्स कर देते हैं हमारे व्लॉग का एंड क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब देखते हैं कहाँ रुकने वाले हैं, नेपाल बॉर्डर के आसपास या नेपाल पहुँच जाते हैं, जो भी करते हैं मतलब वही 8-9 बजे तक ड्राइव करेंगे, उसके बाद में ड्राइव करेंगे नहीं, पता नहीं रहता हम निकल जाते हैं, निकल जाते हैं कहाँ रुकने वाले हैं क्या टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो भी करते हैं। हम हैक्टिक नहीं रखना चाहते हैं, रुकते रुकते आराम से। बिल्कुल साहब बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहते हैं। तो चलो अभी तो करते हैं व्लॉग का एंड और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो मेरे पतिदेव आरजे नंबर की गाड़ियां देख के तो ऐसे खुश हो जाते हैं कि पता नहीं क्या ही मिल गए मेरे भाई। इनके भाई मिल रहे हैं, स्टेज प्रेम छोड़ नहीं पा रहे हैं, भाई मिल गए इनके भाई। ओके बाय।